पाकिस्तान के लाहौर विश्वविद्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने दोनों विद्यार्थियों को निकाल दिया है। दरअसल विश्वविद्यालय की ही एक छात्र ने सभी के सामने घुटने पर बैठकर छात्र को प्रपोज कर दिया, जिसके बाद छात्र ने छात्रा को गले लगा लिया। बस फिर क्या था, मौके पर मौजूद अन्य विद्यार्थियों ने इस प्रेम प्रस्ताव का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसका अंजाम अब इन दोनों प्रेमी जोड़ों को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि घटना के बाद लाहौर विश्वविद्यालय की विशेष अनुशासन समिति ने शुक्रवार को बैठक कर दोनों विद्यार्थियों को बुलाया था, लेकिन दोनों ही अनुपस्थित रहे। इसके बाद समिति ने छात्र और छात्रा दोनों को विश्वविद्यालय से निकाल दिया। यूनिवर्सिटी या उसके किसी भी परिसर में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस मामले पर लाहौर विश्वविद्यालय का कहना है कि दोनों विद्यार्थियों ने गलत व्यवहार किया है और विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया है। वायरल वीडियो में छात्र एक घुटने के बल जमीन पर बैठी और हाथों में गुलाब का गुलदस्ता लिए हुए लड़के को प्रेम प्रस्ताव देती हुई दिखी। इसके बाद छात्र गुलदस्ता लेता है और लड़की को गले लगा लेता है। वहीं आसपास मौजूद अन्य विद्यार्थियों दोनों का हौसला बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक पत्र जारी किया, जिसमें लिखा है कि अनुशासन समिति ने पाया कि दोनों विद्यार्थियों ने नियमों को तोड़ा है। समिति ने उन्हें शुक्रवार को बुलाया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। दोनों ने गलत व्यवहार कर नियमों का उल्लंघन किया है। उल्लेखनीय है कि दोनों को विश्वविद्यालय द्वारा निकाल दिए जाने को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी। एक यूजर्स ने मोहब्बते फिल्म से अमिताभ बच्चन की तस्वीर पोस्ट करके लिखा, लाहौर विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक, दरअसल इस फिल्म में अमिताभ गुरुकुल के प्रधानाध्यापक हैं और इस किरदार में वह प्रेम के खिलाफ हैं। वहीं पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेनजीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने विश्वविद्यालय की कार्यवाही को बकवास कहा। आप सभी के हिसाब से क्या इन दोनों छात्रों को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड करने का निर्णय सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।